बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के यूपीआई पेमेंट कैसे कर सकते हैं, यूपीआई 123 पे क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप एंड आप देख रहे हैं सरकारी इंफो विद प्रदीप। दोस्तों, यूपीआई को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने रियल टाइम एंड सिक्योर डिजिटल पेमेंट के लिए विकसित किया है, यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। लेकिन दोस्तों, यूपीआई से लेन देन करने के लिए एक स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है, जिसके चलते यूपीआई केवल स्मार्टफोन तक ही सीमित है। जबकि इंडिया में लगभग 40 करोड़ यूजर्स ऐसे हैं जो केवल फीचर फोन यूज करते हैं, कीपैड फोन यूज करते हैं, जिसके चलते वो यूपीआई से लेन देन करने के लिए वंचित हैं और कहीं ना कहीं वो केवल करेंसी पे आज भी डिपेंडेंट हैं और करेंसी पे ही रिलाय कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, आरबीआई ने एनपीसीआई के साथ मिलकर यूपीआई 123 पे को लॉन्च किया है, जिससे फीचर फोन यूजर्स भी इसका इस्तेमाल कर पाए, यूपीआई से लेन देन कर पाए। अब ये जो यूपीआई 123 पे है, ये भी एक तत्काल भुगतान प्रणाली है, जिसका इस्तेमाल बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले फोन में भी किया जा सकता है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सभी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है और इसके लिए कोई भी अलग से फीस या चार्ज नहीं देना होता है। इसकी मदद से स्मार्टफोन और फीचर फोन दोनों यूजर आसानी से डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। इस यूपीआई 123 पे के माध्यम से आप चार तरीकों से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। पहला है आईवीआर कॉल, दूसरा है मिस्ड कॉल, तीसरा है साउंड बेस्ड टेक्नोलॉजी, चौथा है ओएमई मतलब कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। ये चार तरीके हैं, चार तरीकों से आप डिजिटल पेमेंट को कर सकते हैं यूपीआई 123 पे को यूज करते हुए। अब अगर आप UPI 123 पे को फर्स्ट टाइम यूज करते हो या फर्स्ट टाइम इस्तेमाल करते हो, तो सबसे पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे कंप्लीट करना है और इन चारों माध्यम से, जो मैंने आप लोगों को बताया कि इन चारों माध्यम से आप जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हो, इन चारों माध्यम से किस प्रकार से एक फीचर फोन यूजर यूपीआई 123 पे को यूज करते हुए ट्रांजेक्शन कर सकता है, चलिए जानते हैं। अब यूपीआई 123 पे को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, स्क्रीन पे आप लोगों को नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, इस नंबर को आप लोगों को अपने फीचर फोन या फिर स्मार्टफोन किसी में भी आप लोगों को डायल करना है, कॉल करना है। इसके बाद जैसे ही आप कॉल करेंगे, तो सबसे पहले आप लोगों को अपने पसंद का भाषा चुनना होगा। चुनने के बाद आप लोगों को क्या करना है, अकाउंट सेटअप करना है। अकाउंट सेटअप करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को फर्स्ट की का ऑप्शन आप लोगों को क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग से आपका बैंक का नाम पूछा जाएगा, तो आप लोगों को बोलना है कि आपका कौन सा बैंक है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आप लोगों को लिखना नहीं है, आप लोगों को वहां पे बोलना है। आप जैसे ही बोलोगे वो रिकॉग्नाइज कर लेगा। इसके बाद आप लोगों का बैंक अकाउंट का चार डिजिट जो होगा वो बोला जाएगा और साथ में आपका नेम बोला जाएगा, आप लोगों को कंफर्मेशन देना होगा। आपके बैंक का नाम और आपका नाम कंफर्म करने के बाद आप लोगों से आपके डेबिट कार्ड का डिटेल मांगा जाएगा, जैसे कि आपके डेबिट कार्ड का लास्ट का 6 डिजिट आप लोगों से पूछा जाएगा और आपके डेबिट कार्ड में जो एक्सपायरी होता है, जो कि मंथ और ईयर में होता है, वो आप लोगों को बताना होगा, वो आप लोगों को यहाँ पे डायल करना होगा। इसके बाद आप लोगों का यूपीआई आईडी क्रिएट किया जाएगा। अब यूपीआई आईडी क्रिएट करने के बाद आप लोगों का यूपीआई पिन क्रिएट किया जाएगा। तो यूपीआई पिन क्रिएट करने के लिए आप लोगों से कहा जाएगा कि आप अपना मनपसंद का यूपीआई पिन क्रिएट कर सकते हैं। अब क्रिएट करने के लिए आप लोगों को फिर से डायल पैड जो होगा उसमें आप लोगों को डायल करना होगा। जो भी डिजिट आप लोग डायल करेंगे, आप लोगों को ध्यान में रखना है, वो आप लोगों का यूपीआई पिन होगा, क्योंकि जब आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो आप लोगों से पूछा जाएगा बार बार यूपीआई पिन, तो आप लोगों को इसे ध्यान रखना है। सो इस प्रकार से आप लोगों को जो अकाउंट सेटअप करने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग जो है यूपीआई 123 पे के मदद से आप किसी को भी अपने अकाउंट से पेमेंट को भेज सकते हो और पेमेंट को रिसीव भी कर सकते हो। तो ये प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये था पहला तरीका। और तीन तरीका और भी है, लेकिन इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट तरीका है, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा नहीं करेंगे। आगे आने वाले वीडियोस में हम चर्चा करेंगे उन तरीकों के बारे में भी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। और मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इस चैनल के और वीडियोस भी देख सकते हैं और यहाँ पे स्क्रीन पे भी आप लोगों को वीडियोस देखने को मिल रहे होंगे। अगर आपकी जरूरत की वीडियो है तो आप इन्हें देख भी सकते हो। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।